ये भी दिया और ये रेड कलर का अंडा, पता नहीं ब्राउन कलर का अंडा मुर्गी का है कि मुर्गा का। प्राइस क्या है? अभी बज रहा रात का 12 और घूमते फिर बुला रहा था। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और अभी हम लोग हैं काठमांडू के पास, जो थमेल वाला मार्ग है वहाँ पे। तो अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे चेक इन किए हैं, अभी रात का लगभग 10:30 बज रहा है, ठीक है। और मतलब जो आज का जो दिन था वो पूरा जर्नी में ही बीत गया, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी था और थोड़ा सा हेक्टिक भी था रोड की वजह से। तो आपको वो तो दिख ही गया होगा सारा पिछले वाले ब्लॉग में। तो खैर, हम लोग ये ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो प्लान ये है कि अभी तो पहले हम लोग जैसे कि कुछ कुछ फूड वगैरह एक्सप्लोर किए थे नेपाल में, तो हम लोग को वो काफ़ी महंगा लगा, ठीक है। रूम वगैरह भी महंगा है, बट ये क्या बोल सकते हैं, मतलब एक जरूरी चीज़ है तो हम लोग को रहना पड़ेगा यहाँ पे। अभी बारिश वारिश हो रहा था और कोई ऐसा प्लेस मिला नहीं कि हम लोग टेंट वेंट लगा के कैंपिंग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग होटल यहाँ पे ले लिए मेक माई ट्रिप से। इसका जो प्राइस वाइस होगा वो मतलब एज कम्पेयर टू इंडिया अगर देखोगे तो महंगा आपको पड़ेगा, ठीक है। खैर जो भी हो, हम लोग यहाँ पे अभी आए हैं तो पहले आपको रूम टूर दे देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग खाना वाना भी नहीं खाया, अभी जस्ट पहाड़ से एग वेग ले लिए हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लिए जो आपको भी हम दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी वही सब खाना है, ऑमलेट वगैरह बना लेंगे, ब्रेड वगैरह है तो उसके साथ खा के अभी काम चलाएंगे, बाकी कल का कल देखेंगे सुबह में। और हम लोग के पास मैगी सूप वगैरह सब भी है, तो सब से भी जो है वो काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी अभी हम आपको रूम टूर दे देते हैं, ठीक है, यहाँ का, ठीक। तो ये इसमें 3 बेड है, वैसे हम लोग 2 बेड वाला ही बुक किए थे मतलब, लेकिन यहाँ पे क्या था कि वो 2 बेड वाला था ऊपर फ्लोर पे था, तो हम लोग सोचे नीचे ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक ठाक है, मतलब एज यूजुअल जो होटल में रहता है। पानी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री दिया गया ग्लास के साथ, बाकी रिमोट वगैरह है टीवी के लिए। पिछले वाले होटल में टीवी नहीं था, इस बार टीवी भी है, अच्छा सा मिरर भी है जहाँ पे आप बैठ के मेकअप कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो टी शर्ट कैसा लग रहा है वो बताना, ठीक है। वैसे ये लिए थे पटना से आने टाइम, बट थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बट हमको ढीला डाला ही पसंद है, ठीक है, मोटापा नहीं पता चलता है इसमें। खैर फ्रिज भी यहाँ पे दिया गया है, बट फ्रिज में कुछ है नहीं, अभी हम लोग कुछ कुछ इसमें रख देते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो आशीष को बोले हैं कि कुछ कुछ रख देने के लिए जो हम लोग अपने खाने पीने के लिए लाएँ, ठीक है। तो अभी आजकल तो यहाँ पे रहेंगे। तो वैसे यहाँ पे हम लोग को जो बनाना है वो 150 रुपीज़ का डज़न दिया, मतलब जो नेपाली रुपीज़ का है। इंडिया में अगर मतलब इंडिया के अकॉर्डिंग सोचोगे तो लगभग 100 रुपये के आसपास। आम जो है वो 200 रुपये केजी है, मतलब 3 आम ही 1 केजी प्लस समथिंग कुछ हो गया, ठीक है। और इसका जो है वो 200 रुपये यहाँ पे केजी है ऑलमोस्ट। फिर ये ब्रेड है जो 70 रुपये का पैकेट दिया नेपाली रुपीज़ के अकॉर्डिंग, इंडियन रुपीज़ में ये 40-50 रुपीज़ के अप्रॉक्स होगा। और ये एग है जो 20 का 3 दिया, इसका मतलब 7 रुपये के आसपास नेपाली रुपीज़ पड़ा। तो 7 का नेपाली यानी कि 4-5 रुपये अंडा मतलब पड़ा इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो ठीक है, ये महंगा नहीं लगा हमको, ये ठीक है। चलो ब्रेड भी ठीक है, उतना महंगा नहीं है, बट बनाना और मैंगो हमको महंगा लगा, और बाकी होटल का खाना तो महंगा ही। वैसे ये भी दिया गया है बाल ठीक करने के लिए बाकी हम लोग इससे जो है वो कपड़ा वगैरह सुखा रहे हैं अपना। बाकी पीछे देखो धोबी घाट बनाया गया वहाँ पे, मतलब जितना भी भींगा कपड़ा था, रेनकोट जैकेट, क्योंकि कुछ ठंड वंड लगने लगा था हम लोग को, ठीक है, तो हम लोग उसको वहाँ पे फैला दिए सूख जाने के लिए। बाकी ये 3 बेड है, जिसपे 2 बेड हम लोग सोने में यूज़ करेंगे, 1 बेड सामान रखने में। यहाँ कबर्ड दिया गया है, ये लैला का एक्सटेंशन है, बॉक्स सामान रखने के लिए उधर भी बॉक्स वगैरह, और ये वॉशरूम है, ठीक है। तो इसका भी टूर दे देते हैं फिर से। वो बम गिराने वाला जगह ये हो गया, मिरर, ये बेसिन, और ये नहाने के लिए जगह, सब कुछ मतलब जो होता है एज यूजल। मिरर भी देखो काफ़ी कूल है यहाँ का भी, फिर से बताना कैसे लग रहे हैं हम, ठीक है, फेस दिख नहीं रहा वैसे, चलो आप बताना कैसे लग रहा है। फिर यहाँ शैम्पू दिया हुआ है जो पता नहीं किस ब्रांड का है, और यहाँ पे दिया गया है ब्रश, और छुटकू सा दिया गया है कॉलगेट J.ME ब्रांड का, और यहाँ पे दिया गया है पेरा जैसा साबुन, ठीक है, जिसको हम लोग पता नहीं यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास खुद का हैंड वॉश है। तो वैसे ही ऑलरेडी हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, अब देखते हैं क्या बना सकते हैं। बाकी जो बनाएंगे जो होगा हम लोग के साथ वो आपको भी अपडेट करते रहेंगे। पीछे आशीष भी काफ़ी थक चुका है, तो पता नहीं चल पा रहा है कि सोना है कि खाना है, बट सो तो जाएंगे लेकिन फिर भूख से उठ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बना लेते हैं, देखते हैं। और दिन भर हम लोग कुछ खाए नहीं है, मतलब रास्ते में भी हम लोग बिस्किट वगैरह खा के किसी तरह से काम चलाए। तो सुबह में बस सूप पिए थे उस होटल में, जो आप देखे होंगे पिछले वाले ब्लॉग में, मतलब आई गेस इससे पिछले वाले ब्लॉग में, ठीक है।
वहां बस सूप पी के हम लोग निकले, रास्ते में बस बिस्किट विस्किट खाए, रास्ते में कहीं कोई दुकान उस तरह का हम लोग को नहीं मिला जहाँ रुक के हम लोग खाते हैं। और सच बात तो ये है कि हम लोग इन वेन पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ बनाते हैं और खाते हैं और तब बस आराम करेंगे, ठीक है बस, और आपको भी अपडेट करते हैं इसके साथ साथ। बाकी हम लोग अभी थोड़ा बहुत बाहर गए थे बट वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किए, तो अभी हम लोग रेस्ट करेंगे, कल सुबह जाएंगे तो यहाँ का मार्केट, यहाँ का जो लोकल चीज़ वगैरह सब वो सब आपको हम लोग दिखाएंगे, और होगा तो कुछ पसंद आएगा तो वो भी लेंगे अपने फैमिली लोग के लिए, ठीक है। एकदम लग रहा है कि शरीर काम नहीं करेगा, एकदम थकावट से मतलब पूरा हालत ख़राब है, अभी लग रहा खाना बन पाएगा कि नहीं। वैसे आशीष बना रहा है सूप उधर, उसके बाद हम बनाएंगे ब्रेड ऑमलेट, ठीक है। अभी पीठ जो लग रहा है ना पूरा काम नहीं कर रहा पूरा इस तरह से, रास्ते भर में जो है मतलब ठीक है, ड्राइविंग का आदत तो है नहीं उतना लंबा, लेकिन इतना लंबा सफ़र और प्लस ऐसा रोड, शरीर का तो बैंड बजना ही है, ठीक है। धीरे आदत लगेगा और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बात सही है, ठीक है। उधर बन रहा है सूप, आशीष को बोले तुम ही हिम्मत करो बनाओ, बाकी उस तरफ लगा दिए हैं गैजेट वगैरह चार्ज वगैरह में, और यहाँ पे जो है वो हम पड़े हुए हैं, आईने में दिख रहा होगा जस्ट मेरे सामने में है, तो हम अपने आप को निहार सकते हैं हमेशा, ठीक है। और बाकी दल धोबी घाट तो देख ही चुके हो, तो अभी बस सूप पियेंगे, कुछ रेस्ट करके उसके बाद जो है वो ब्रेड ऑमलेट बनाएंगे, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह खाए हैं, ठीक है, तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है, आप लोग से अपडेट करते रहेंगे। बाकी रात में तो बस यहाँ रेस्ट करना है अभी। तो बन गया सूप रेडी, आज कौन सा सूप है? ये कॉर्न वाला, वेज कॉर्न वाला सूप है। कैसा है सूप, तुम भी बनाया हो बताओ, ठीक है। तो ऑमलेट हम लोग बना रहे हैं, वैसे प्याज मिर्च वगैरह है नहीं, बस नमक मसाला डाल देंगे उसको मिक्स करके, और पता नहीं इस छोटे से पैन में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट फिर भी देखें छोटा छोटा बना के। और ये रेड कलर का अंडा, पता नहीं ब्राउन कलर का अंडा मुर्गी का है कि मुर्गा का, ऑब्वियसली मुर्गी का ही होगा, बट यहाँ का ये ब्राउन टाइप का अंडा है, पता नहीं बत्तख का है कि क्या है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। ऐसा करते पहले ब्रेड सेक लेते हैं, ठीक है, अच्छा होगा फिर। तो ब्रेड हम लोग सेक दे रहे हैं, अब इसको आप सेका हुआ ब्रेड बोलो चाहे टोस्ट बोलो, ठीक है। बाकी देखते हैं ऑमलेट के साथ इसको बनाए या फिर अलग से बनाए, वो कोशिश करेंगे, पलटने में दिक्कत होगा उसके खाने में। इस बार लग रहा है सही बना, दिखाओ इधर, देखो ऑमलेट की तरफ दिखाओ, सही लग रहा है ना इस बार। सब जल्दी जल्दी खा ले रहे हैं और बस सोना है, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, ठीक है, मिलते हैं आपसे सुबह में। सो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, और गुड आफ्टरनून इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी दोपहर का 2 बज रहा है। वैसे हम लोग उठे भी आज लेट से और प्लस थोड़ा बहुत तबीयत खराब था, तो हम लोग आज रेस्ट ही किए घर में ही, मतलब थोड़ा बहुत फ्रूट्स सूप वगैरह पी लिए। अभी प्लानिंग ये है कि अभी हम लोग बाहर जाने वाले हैं, कुछ मार्केट वार्केट को हम लोग कवर करेंगे जो इसी व्लॉग में आपको अटैच करके हम दिखाएंगे। और आज हम लोग का प्लान ये भी है कि हम लोग जो है वो पशुपतिनाथ धाम और जो बौद्ध स्तूप है वहाँ पे भी जाएंगे, बट वो दोनों आपको अलग अलग ब्लॉग में मिलेगा इसके बाद वाले ब्लॉग में, तो आप लोग उसको भी इंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। और बाकी जो जैसा एक्सपीरियंस होगा हम लोग का यहाँ का, वो भी हम लोग टाइम टू टाइम शेयर जो है वो करते जाएंगे। बाकी हम लोग बाहर जाते हैं और इस बार क्या करेंगे कि हम लोग बाइक एक जगह पार्क कर दिए, तो हम लोग सोचे हैं कि यहाँ का जो लोकल टुक टुक या हवा हवाई वगैरह सब होता है उसी सब से हम लोग एक्सप्लोर करें, और साथ में पता भी करें कि चलो भाई कितना महंगा है, और अगर उस पर रहेंगे तो हम लोग अपने कैमरा वगैरह सबसे जो लोकल चीज है उस सबको हम लोग कवर कर पाएंगे, ठीक है। इधर चल रहा है कॉपी वगैरह सबका काम, अभी कॉपी हो जाएगा तो फिर से मेमोरी डाल के फिर हम लोग ले जाएंगे। बाकी वो वहाँ से उधर सोए हुए हैं, ठीक है, और बेड वेड का एकदम तहस नहस हालत हो गया है। वैसे आज हम लोग इसी होटल में फिर से मतलब इसको एक्सटेंड करवा दें एक दिन के लिए, बाकी कल सुबह में हम लोग प्लान बनाएंगे कि हम लोग को वापस पटना जाना है या फिर आसपास में अगर कोई चीज़ होगा तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी बाहर निकलते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सो
बारिश थोड़ा सा तेज हो गया तो हम लोग सोचे कि हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। स्पेशल टाइप का आपको रेनकोट दिखाते हैं जिसमें आगे पीछे दोनों कवर हो जाता है, मतलब दोनों आदमी और साथ में गाड़ी भी ढक जाता है, जो आपको इंडिया में देखने को कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे मिल सकता है बट अभी तक तो मेरा नज़र नहीं पड़ा उस पर, ठीक है। हाँ भाई, अभी हम लोग होटल से बाहर निकले थे तो बारिश होने लगा, तो सोचे कि कैसे घूमें। तो अभी जस्ट हम लोग जो एक छाता खरीदे हैं जो नेपाली रुपीज़ में 850 का, यानी कि इंडियन रुपीज़ में 500-600 का है, बट सोचे चलो ठीक है, छाता रास्ते में भी काम देगा अगर बारिश होगा पटना जाने टाइम तो। और साथ में हम लोग अभी सोचे हैं कि पैदल ही एक्सप्लोर करें और कुछ अगर अच्छा मिलता है तो हम लोग जो है वो चीज़ खरीदें भी, ठीक है। तो और आपको भी साथ में जो है वो दिखाएं, ठीक है। बारिश छूटने का नाम जो है लिया ने, और हम लोग भी जो है वो कहाँ रुकने वाले थे, है ना आशीष। हम लोग भी सोचे कि छाता ले कर ही व्लॉगिंग करेंगे, लेकिन करेंगे और साथ में जो जो चीज़ होगा वो आपको भी दिखाएंगे, ठीक है। लोकली हम लोग एक्सप्लोर अभी करने वाले हैं बहुत कुछ। अभी ये हम लोग छाता के अंदर में देख लो आप लोग, ठीक है। तो ये ना लगे कि हम लोग किसी डॉम में हैं, ठीक है। बाकी पैडल का अपना एक मज़ा है, ठीक। हम लोग फुटपाथ से ही चलते हैं बेहतर होगा, वरना गाड़ी वाड़ी में दिक्कत हो सकती है। तो मज़ा तो वैसे आ रहा है बट अभी सर्दी वर्दी थोड़ा सा ज़्यादा ही चल रहा है, तो हो सकता है रात में फिर से हम लोग को सर्दी हो। नहीं, पीछे जो है वो हम लोग के अगर देखोगे तो कपड़ा वगैरह दुकान है। यहाँ पे शू का है, नाइक वाइक का शू दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और पीछे हम लोग के स्पेक्स का दुकान है जो काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। अब यहाँ से आना पड़ेगा उस रोड पे। और बाकी आप लोग बुद्ध स्तूप वाला देखोगे ब्लॉग जो वहाँ पे है हम लोग के पीछे में, अभी वहाँ भी आप लोग को ले ही गए थे जो आप लोग अलग ब्लॉग में देखे होंगे। ये रास्ता देखो कितना मतलब डाउन है, नहीं कम्प्लीट पहाड़ पर बसा हुआ है नेपाल, तो डाउन तो होगा ही पूरा कम्प्लीटली। अभी उधर भी देखो पूरा सब बारिश की वजह से सब कोई रुके हुए हैं और हम लोग मंडरा रहे हैं रोड पे। नहीं, हम लोग जो है वो सारा मंडरा रहे हैं रोड पे। अभी सब कोई यहाँ पे रुके हुए हैं लेकिन हम लोग मंडरा रहे हैं, बारिश का मज़ा ले रहे हैं। बाकी रात में सर्दी हम लोग से मज़ा लेगा, ठीक है। देखो बस से उतरने के टाइम में भी छाता, वेरी गुड। अभी ज़्यादातर लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है, बट हम लोग नहीं करने वाले, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्या अब यहाँ पे भी आई थिंक बस स्टॉप वगैरह सब है तो लोग वेट कर ही रहे हैं, बट हम लोग वेट करेंगे नहीं, हम लोग जो है क्या करेंगे सीधा चलते जाएंगे। अगर कोई शॉप ऐसा मिलेगा तो हम लोग कुछ एक्सप्लोर भी करेंगे, कुछ परचेज भी करेंगे और साथ में जो मिलते जाएगा वो भी खरीदेंगे, है ना। जब निकले थे तब घर से, मतलब घर से कह रहे, होटल से कह रहे, बारिश नहीं हो रहा था, अचानक बीच में आ गया। आप लोग कैब से उतरे, अचानक बीच में जो है वो पानी आ गया, आप क्या करते हैं, रेनकोट भी नहीं था। लगभग आधा घंटा हम लोग वेट किए होंगे स्कॉर्पियो इंडिया का, यहाँ के लिए स्कॉर्पियो लग्जरी गाड़ी में काउंट होता है और यहाँ पे प्राइस इसका 35-40 लाख के आसपास पड़ता है आई गेस। बाकी यहाँ जितना भी बाइक है वो देख लो आप लोग, सारा इंडिया का ही ऑलमोस्ट, बस नंबर प्लेट आपको नेपाल का मिलेगा लेकिन है सारा इंडिया का ही ब्रांड, होंडा, टीवीएस, बजाज, सारा कुछ, मतलब इवन मोस्ट ऑफ द 90% कार वी कैन से आर इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया, ओके। तो उस तरफ भी देखोगे हर एक चीज़ का दुकान, लगभग शू वगैरह का, ठीक है। यहाँ पे भी इस तरफ भी बैग कपड़ा वपड़ा का दुकान, एक तरह से जो शिमला मिला वाला हम लोग वीडियो देखते थे, मॉल रोड पता नहीं क्या बोलते हैं, उस टाइप का यहाँ पे है अगर देखा जाए तो। नहीं चलो, बाकी बिरयानी किंग हमको यहाँ पर दिखा, नहीं बिरयानी किंग हम लोग को यहाँ पर दिखा, जो बिरयानी किंग पटना में भी है, पता नहीं उसी का ब्रांच है या फिर कोई नया है, आई डोंट नो। तब बताओ आशीष कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। हाँ। ये मज़ा लोगों को देना चाहोगे, लोग खुद ले आके, हम तो नहीं देते, हम लोग अपने हिस्से का कुछ कर देते हैं। अभी हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं ना, मतलब उसके आसपास में सब कुछ है, लाइक हम लोग आज पशुपतिनाथ गए थे, वहाँ भी आप लोग वो वाला भी ब्लॉग देखे होंगे या फिर आएगा आगे तो आप लोग देख लोगे उसको, इवन फिर बुद्ध स्तूप वाला भी,
और साथ में अगर हम लोग देखें नोटिस करें तो अभी हाँ जहाँ पे हम लोग का होटल है वहाँ आसपास में डिस्को वगैरह है, बार वगैरह सब है, बट हम लोग बहुत कुछ सुन रखे हैं कि फॉरेनर वगैरह सबसे या फिर जो यहाँ के लोकल नहीं हैं, मतलब जो बाहर से आते हैं उनको लूट लिया जाता है एक तरह से, मतलब बहुत ही ज़्यादा ही चार्ज किया जाता है उन लोग से, ठीक है। और हम लोग पीने खाने के शौकीन है नहीं, तो हम लोग के लिए वो जगह नहीं है। हम लोग यहाँ पे होटल इसलिए लिए हैं क्योंकि आसपास में सारा डेस्टिनेशन था, तो हम लोग इजीली सब जगह जा आ सकते थे, तो एक रीज़न ये था। बाकी जो भी सुन रहा था हम लोग को कि क्यों थैमिल में मतलब हम लोग रहें, उन लोगों को लग रहा था कि हो सकता है हम लोग बियर बार या डिस्को वगैरह जाएं, बट ऐसा कुछ है नहीं। होटल हम लोग को वहीं पर मिला, ठीक है, ऑनलाइन में, क्योंकि इंडियन वाला कैश हम लोग ज़्यादा कैरी करके आए नहीं जो हम लोग उसको कन्वर्ट करवा पाते, तब तो मेक माई ट्रिप से ऑनलाइन बुकिंग हो गया और इंडियन रुपी में ही पेमेंट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसलिए हम लोग का काम चल गया। कोई बात नहीं, बारिश इंजॉय करो आप लोग, फिर कुछ शॉप वॉप पे आपको ले चलते हैं, ठीक है। देखो ये भी कार यहाँ पे अभी भी चल रहा है, इंडिया में एक दो आपको दिखेगा अब, बाकी ये कार वगैरह सब यहाँ पे अभी भी चल रहा है। ऐसा करते हैं हम लोग फुटपाथ पे चले आते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो क्रॉकरी सब का कितना अच्छा मतलब ये लगा हुआ है, बट ले जाने में फूट जाएगा सो हम लोग ये बाय नहीं करेंगे, ठीक है। ये शॉप वगैरह सभी काफ़ी खूबसूरत है, जगह जगह सेफ्टी के लिए पुलिस वगैरह भी हैं और कोऑपरेटिंग पुलिस वाले लोग हैं, तो किसी तरह का दिक्कत आप लोगों को होगा नहीं, ठीक है। आप लोग अगर विजिट करते हो तो KFC पिज़्ज़ा प्लानेट, आई वाज गेसिंग कि पिज़्ज़ा हट है, बट इट्स अ पिज़्ज़ा प्लानेट एंड ऑल्सो देयर इज अ KFC, सो विल नॉट मिस चिकन एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। ओके सो वी आर जस्ट एंजॉयिंग इन रेन एंड दैट्स रियली गुड, सो यू कैन सी द अनदर ड्यूक दैट इज यूजुअली सीन इन इंडिया, इवन पल्सर एज वेल, दैट ब्रांड होंडा ऑल्सो आई एम नॉट सीन इन इंडिया दैट वन। ओके इवन मोस्ट ऑफ द कार दैट यू विल सी हियर इज फ्रॉम इंडिया, अगेन आई एम सेइंग यू विल नॉट मिस योर इंडिया हियर बिकॉज लॉट्स ऑफ थिंग दैट विल बी सिमिलर टू इंडिया। ओके बुलेट एवरी काइंड ऑफ थिंग दैट यू विल सी हियर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इज इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। ओके As you can see, people are waiting just for stopping rain. Okay, but they cannot control it, so they will have to wait for the God. Okay, so I don't know from which way we have to go, so we'll take help again from Google Map. Okay, so first of all, we will stay somewhere. Okay, then we will see in the Google Map which way we have to go. अगर हम लोग नेपाली में बोले तो हम लोग ये बोल सकते हैं, जैसे अभी हम लोग को थामिल जाना है तो हम लोग ये पूछ सकते हैं कि थामिल कोनो बाटो, इसका मतलब थामिल किस तरफ है या किस तरफ जाएगा। अभी बज रहा है रात का 12, घूमते फिरते भी 12 बज गया एक्चुअली, तो बहुत कुछ किए हैं आज जो आपको ब्लॉग में दिखाई होगा वैसे, ठीक है, और आने वाले ब्लॉग में भी दिखेगा। तो इस ब्लॉग को करते यहीं पे एंड, अभी जस्ट हम लोग बाहर से कुछ खाने के लिए लाए हैं तो वो खा लेंगे और आराम करना है, बाकी कल देखेंगे कि क्या होता है, हम लोग यहाँ पे स्टे करेंगे कि कल निकल जाएंगे वो आगे देखेंगे, ठीक है, सोने के बाद कल सुबह फिर प्लान करेंगे, उसके बाद उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर सबको गुड नाइट, बाय बाय गाइस, टेक केयर, तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के।